कुनो नेशनल पार्क से खुशखबरी आई है। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। वन विभाग की टीम बेहद खुश है। इस संबंध में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है, साथ ही चीता गामिनी और उसके शावकों की तस्वीरें भी शेयर की हैं। भूपेंद्र यादव ने अपने पोस्ट में कहा, हाई फाइव कुनो, दक्षिण अफ्रीका के स्वालू कलाहारी रिजर्व से लाई गई 5 साल की मादा चीता गामिनी ने आज 5 शावकों को जन्म दिया है। इससे भारत में जन्मे शावकों की संख्या 13 हो गई है। यह भारतीय धरती पर चौथा चीता वंश है और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीता का ये पहला वंश है। सभी को बधाई, विशेषकर वन अधिकारियों, पशु चिकित्सकों और फील्ड स्टाफ की टीम को, जिन्होंने चीतों के लिए तनाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया है, जिससे सफल संभोग और शावकों का जन्म हुआ है। कुनो नेशनल पार्क में शावकों सहित चीतों की कुल संख्या 26 है। बता दें कि 1952 में भारत में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, जिसे 2022 में महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से फिर से लाया गया। 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भारत लाया गया था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भी स्थानांतरित किया गया, जिन्हें कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया।